what's up guys, welcome to my YouTube channel MV Vlogs. I hope you all guys are absolutely fine at home. तो आज है थर्सडे या वेनसडे क्या है मैं भूल चुका हूँ, और सुबह सुबह काफी ज्यादा ठंड है इसलिए कैप वगैरह और जैकेट वगैरह सुबह सुबह पहन ली, और मेरा काम है अभी जाने का लाइब्रेरी। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ आपको दिखाना है कि जो हमारे माता श्री है ना, माता श्री ने हमारी दोनों बाइक्स को क्या करा हुआ है, बना दिया हुआ कपड़े सुखाने वाला। ये देखो हालत दोनों, मेरी परी की देखो, छोटी बसंती की देखो, और साथ में जो KTM खड़ा है उसकी हालत देखो। कपड़े सुखाने के लिए क्या क्या बना के रखा है सुबह सुबह समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि सभी के साथ ऐसा ही होता होगा, सिर्फ मेरे घर पे नहीं ऐसा होता हुआ। जिसके घर पे भी बाइक है तो माता श्री जरूर कपड़े सुखाएंगे। तो मैं चलता हूँ लाइब्रेरी, देन उसके बाद आज छोटी सी राइड बनने वाली है। मैं जा रहा हूँ, छोटा भाई जा रहा है, एक दो फ्रेंड और जा रहा है, तो आज आपको राइड पे मिलेंगे। लगभग एक महीने के बाद हम कहीं राइड पे जा रहे हैं, छोटी सी राइड होगी, ज्यादा दूर तो नहीं जा पाएंगे लेकिन छोटी सी राइड होगी, लेकिन अच्छी राइड होगी। तो देखो कुछ ऐसी हालत है, ये हालत बनाई हुई है माता श्री ने, समझ नहीं आता माता श्री का। यहाँ पे टांगो ना, वो देखो सामने रस्सी बांधी हुई है, यहाँ पे टांगो और यहाँ पे बना के रखा। चलो अच्छी बात है, ये भी धूल से बची रहेगी। तो फाइनली हम रेडी हो चुके हैं, तो सबसे पहले काम क्या करना है, चेन को लुब्रिकेट करना है। और अब जो अपने छोटे भाई ने चश्मा पहना ना, क्या फैंटास्टिक चश्मा है यार तो ये राजू भाई की तरह काम कर रहा है, तो पहले इसको बाहर जल्दी निकाल, तो जल्दी से लुब्रिकेट कर लेते हैं फिर। तो काली परी बाहर निकल चुकी है और उसको उसकी चेन को लुब्रिकेट भी कर दिया, और अभी बारी है व्हाइट परी की, इसको भी चेन को लुब्रिकेट करना पड़ेगा। पर इसका प्रॉब्लम ये है कि इसमें डबल स्टैंड नहीं है, और अपने छोटे भाई को एक ही स्टैंड पे कलाकारी दिखानी पड़ेगी अभी। सो वेलकम बैक अगेन। तो दोनों बाइक्स रेडी हो चुकी है, काली परी और सफेद परी, चिट्टी परी, तो दोनों तैयार हो चुके हैं। छोटा भाई अपना बैठा है अक्षय भाई के पीछे, और मेरे पीछे बैठा है अपना दीपक। जैसे मैंने आपको सुबह बताया था कि हम छोटी सी राइड पर जा रहे हैं, तो दोपहर के बज रहे हैं 1:50 हो चुके हैं। तो क्योंकि थोड़ा काम पड़ गया था और उसकी वजह से हम सुबह जल्दी निकल नहीं पाए, तो इसलिए सोचा कि दोपहर को ही निकलते हैं, छोटी सी राइड करके आते हैं। तो मार्केट पहुंचते ही ट्रैफिक देखने को तो मिलता ही है, पर आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो एक ऑरेंज है ना, एक संतरा है, उसने पूरा लोड उठाया हुआ है, तो जो क्रेट्स है ना वो गिर नहीं पा रहे हैं एक संतरे की वजह से। तो देख लो कितना लोड उठाया हुआ है एक संतरे ने। तो जैसे दीपक बोल रहा है कि अगर इस संतरे ने इतना बोझ उठाया तो आप भी अपनी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं इसकी तरह, जैसे इस संतरे ने सारे क्रेट्स का बोझ उठाया हुआ है। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, एक संतरे ने कितना बोझ उठा लिया, तो आप भी जिंदगी में कभी हार ना मानो, इस संतरे की तरह पूरा बोझ उठाओ। तो हमारी जो अक्सर राइड होती है वो सुबह के टाइम होती है, लेकिन अभी कुछ ऐसा है कि अभी सुबह सुबह ज़्यादा सर्दी होती है, तो उसकी वजह से सुबह निकलने नहीं होता, और सुबह एक दो काम इंपॉर्टेंट काम पड़ चुका था, तो उसकी वजह से मैं निकल भी नहीं पाया। और इनफैक्ट जो हमारा सुबह का प्लान था वो सुबह 8 बजे का था, इसलिए अभी 1:30 बज रहे हैं, 1:40 पर हम घर से निकले थे। देखते हैं कब तक वहाँ पर पहुँच पाते हैं और कब वहाँ से वापस आएँगे, कोई पता नहीं है। हाँ, तो जैसे जैसे बाइक चल रही है ना थोड़ी स्पीड में, तो ठंड लगना शुरू हो चुकी है। बस अपर पार्ट में मुझे थोड़ी कम ठंड है, क्योंकि अपर पार्ट में मैंने थोड़ी जैकेट हैवी वाली जैकेट पहनी हुई है। तो और लोअर में कुछ ऐसा है कि अभी आप देख सको यार, अगर लोअर में कुछ ऐसा है कि पैंट पहनी हुई है तो उसके बीच से ठंड लग रही है। और यार क्या स्पीड से निकले हैं अक्षय भाई और आशीष भाई, कितनी स्पीड से, इवन दो मैं खुद चौंक गया, मैं खुद डर गया कि ये किस स्पीड से निकले। और इवन दीपक क्या हुआ आपको जब वो निकले पास से, आपको क्या हुआ जब वो पास से निकले थे? बाय गॉड किस स्पीड से निकल। अच्छा तो ये दोनों का है, एक का नहीं है, ये दोनों का है। भैया नमस्ते क्यों कर रहे हो इनको, हैं अरे ये हमारे उच्च प्रधानमंत्री, हाँ उच्च प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी, सॉरी जी द प्रधानमंत्री है, तो हमारे उच्च प्रधानमंत्री जी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इन्होंने पेट्रोल बहुत सस्ता कर दिया। कितना सस्ता कर दिया? 103 रुपए, 103, अभी तो 96 है यहाँ पे। मैंने घर पे अपनी दोनों टंकियां छत पे रखी हैं।
तो मोदी जी आपसे आपसे एक और प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी पेट्रोल के प्राइसेस कम कर दो, जॉब तो लग जाएगी। तो मोदी जी आपसे कृपया एक दरख्वास्त है कि पेट्रोल के प्राइसेस थोड़े और कम कर दीजिए, तो उससे क्या होगा, हम अच्छी से अच्छी ट्रिप लगा पाएंगे और ज्यादा दूर जा पाएंगे, क्योंकि अभी भी सेंचुरी पर है तो हम पेट्रोल ज्यादा डलवा नहीं पाते हैं। तो कृपया आपसे एक निवेदन है कि पेट्रोल के प्राइसेस कम कर दें। आप हंसते रहिए, अच्छे लगते हो, लेकिन पेट्रोल पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। चलते हैं हम, तो कुछ ऐसी कहानी है, बस मस्ती मजाक चलता रहता है इनके साथ। तो अपनी सिटी से थोड़ी सी दूर निकलने के बाद आपको वादियां देखने शुरू हो जाएंगी। तो हम वादियों में दोबारा पहुंच गए हैं और यहां पे ठंड कुछ ज्यादा ही है, अपनी सिटी से यहां पे ठंड ज्यादा है। यहां पे तो डिप हो जाएगा सीधा का सीधा। अभी देखता हूं मैं टेम्परेचर कितना, मेरा बाइक कितना दिखा रहा है, तो बाइक में कुछ नहीं दिखा रहा, बाइक वाला तो कुछ एक्स्ट्रा दिखा रहा है, ये तो कुछ ज्यादा दिखा रहा है। तो इस एरिया में ठंड काफी ज्यादा होती है क्योंकि धूप बड़ी कम पड़ती है यहाँ पर, और कुछ कुछ एरिया में जैसे इस एरिया में धूप पड़ेगी, फिर आगे जाके आपको धूप मिलने नहीं वाली, देन उसके बाद थोड़ी आगे जाके आपको दोबारा धूप मिलेगी। तो कुछ ऐसा चलता है। तो हमने सोचा था यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोड हो जाएगा और यहाँ पर उस पहाड़ी पे जाता है रोड। तो अभी मुझे आशीष भाई ने मना कर दिया कि नहीं जा पाएंगे, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से पैदल ही निकल जाएंगे वहां तक। आज हम बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए आए हुए थे और पहाड़ तो काफी ज्यादा, तो आगे पीछे आपको पहाड़ी दिखने, तो पहले रोड चेक करना पड़ेगा। नहीं यार, आराम से निकल तो जाता है, पर छोटा भाई मना क्यों कर रहा है? आप एक काम करो, आप खुद चलाओ। तो ये काम मैंने अभी दे दिया अपने छोटे भाई को, क्योंकि इस जगह पे क्या होता है कि कभी कभी हाथ बैंड हो सकता है। चलो चलो चलो, तो लो जी फाइनली नीचे पहुंच चुके हैं। तो इतनी कठिनाई के बाद, ग्रेट जॉब, वेरी गुड, वेल डन, ग्रेट जॉब। तो कुछ ऐसा है, ऑफ रोडिंग तो मस्त वाली है भाई, आगे पीछे पहाड़ियां देखने को, आपको सिर्फ पहाड़ियां ही देखने को मिलने वाली है। थोड़ा सा ऑफ रोडिंग था ये वाला, इतना सा पैच, वहां पे आपको मेन रोड दिख रहा होगा और वहां से हम यहां से ऑफ रोडिंग करते हुए और अपना छोटा भाई और अक्षय भाई ऊपर पहुंच चुके हैं। मैं भी उनके पास पहुंचता हूं और उनसे पूछता हूं कि उन्होंने इतना ग्रेट जॉब कैसे कर लिया, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, मेरे को पता है मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी करने में तो मैं कर सकता था, पर कुछ भी हो सकता है मेरी बाजू के साथ, तो मैंने इसलिए खुद अटेम्प्ट नहीं करा। फिर मैंने अपने छोटे भाई को बोला कि आप एक काम करो, आप बाइक लेके आ जाओ तो वहां तक पहुंचा दो। तो अब मैं उससे पूछता हूं उसने कैसे कर लिया, कितना जिगरा रख लिया, माउंटेन ड्यू पी के तो नहीं आया था, घर से पानी पी के आया था, पूछना पड़ेगा उसको जाके। तो चलते हैं उसके पास। और अक्षय भाई आपको कैसा लगा वाले बता दो। बहुत बढ़िया। तो वो देखो बंदरों की तरह ना फिर से ऊपर चढ़ना से शुरू कर लिया है। अरे वो बंदर नीचे आ जा। तो मैं इसी को पूछने जा रहा था, तो भाई कहाँ घूम रहा है तू, क्या कर रहा है, क्या यहाँ पे? हाँ ये नजारा देख, आओ आपको नजारा। हाँ तो ये आपको अभी नजारा दिखाता है ऊपर के, कैसे नजारे। लेकिन मेरे को पहले आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। हाँ जी। हाँ तो आप ऑफ रोडिंग करके आओ तो आपको कैसा लगा? मेरे को काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता नहीं यार क्यों लग रहा है, बट लग रहा है। तो चलो आप सिनेमैटिक को एंजॉय करो, जो इसने बता दी, इसने यही बताना था मुझे, ऑलरेडी पता है। बट यहाँ का जो ऊपर से व्यू है ना, काफी मस्त वाला व्यू है। तो आपको अभी छोटा भाई दिखाएगा, मैं ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा तो इसलिए वो दिखाता है। कब से मेरे को बोले जा रहा है कि एक वीडियो लास्ट मैंने नहीं बनानी, वीडियो चल रही है, एक वीडियो नहीं नहीं वीडियो बोल। ओ भाई क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये? नहीं ये क्या कारनामे कर रहे हो तुम दोनों? हां क्या कर रहे हो ये? यार मैंने मजाक में धक्का दिया, बट सीरियस लग गया, सॉरी यार। देखो लग गई है चोट, आई है मामूली सी, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, भर्ती होना पड़ेगा। क्या क्या कारनामे करते हैं ये, अब एक वीडियो के पीछे धक्के मारने शुरू हो गए। अरे धक्के नहीं, मैंने प्यार से, ये कंट्रोवर्सी के टाइम पे रहता है 24 घंटे। तो आगे पीछे अगर गिरेगा कोई दिखने भी नहीं वाला यहाँ पे, मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये जगह थी और ये देख सकते हो आप, नीचे पहाड़ी है और दीपक यहाँ गिरा। तो फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका है, काफी मस्ती की है, और ये ब्लैक हेड डॉग
तो यहाँ से निकलने का टाइम आ गया क्योंकि हमने काफ़ी टाइम यहाँ पे बताया, फोटो शोटो क्लिक कराया और एक हादसा होते होते बचाया। मेरा एक दोस्त खोने वाला था बट ड्यू टू सम रीजन से बचा मेरे तेरे को। हाँ तो यहाँ से अभी निकलने का टाइम है, यहाँ से हम जाएंगे क्योंकि कब से निकले हुए हैं। चाय जरूरी है, चाय पीना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाय नहीं मिलेगी तो जैसे हमारी परी को जलजीरा चाहिए, पेट्रोल चाहिए, वैसे हमें चाय चाहिए। क्यों अक्षय भाई? चाय। हाँ चाय। हाँ तो चाय पीना जरूरी है। जो चाय नहीं पीते हैं उनको भी हम सिखा देंगे कि चाय कैसे पीते हैं। तो इन वादियों को छोड़ते हुए यहाँ से निकलते हुए हम पहुंचेंगे नीचे और कुछ खाएंगे, देन उसके बाद घर पहुंच जाएंगे। और हमारी जो छोटी सी राइड थी ना वो सही हो गई है, लेकिन ये थोड़े पंगे कर रहे हैं ना, ये इसकी वजह से खराब हो जाती है, बट सेफली सब कुछ ठीक हो चुका है। तो फाइनली दोनों बाइक चढ़ चुकी हैं ऊपर, बस एक बाइक गिर गई है। बिग थैंक्स टू अक्षय भाई और दीपक। हाँ इन दोनों ने कॉन्फिडेंस मेरा लूज नहीं करने दिया, इन्होंने सोचा तू कर सकता तो कर लिया, तो कर गया। आज काफी मजा आया वैसे, पहली बार मैंने हिमालयन पे ऑफ रोडिंग की है, काफी मजा आया वैसे। आगे आगे और देखने को मिलेगा, बने रहे आने वाले टाइम में। इसी मंथ आपको और कुछ देखने को मिलने वाला है क्योंकि हम एक नए ट्रिप पे जाने वाले हैं, सारे जाने वाले हैं। हम मुंडे को छोड़ने जा रहे हैं नेपाल। नेपाल जा रहे हैं, नेपाल नहीं जाने वाले यार अभी, अभी कहीं और आगे पीछे निकले वाले ट्रिप। तो जिन्होंने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, जिनको पहले न्यूज चाहिए कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो हम तीनों को फॉलो कर लें, चारों को फॉलो कर लें, ये भी साथ में ही होगा, इसको मत करना। हाँ तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या स्क्रीन पे रोटेट हो रहा होगा, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लें, अच्छा फॉलो कर लें, तो आपको आने वाली जानकारी आपको पता लग जाएगी। हाँ इनके चैनल का नाम है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ ना बार बार। तो इनके चैनल का नाम है वैंडरिंग ब्रदर्स YT। तो इनके चैनल को भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें जाके, और आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। तो फाइनली ऑफ रोडिंग हो चुकी है ख़त्म और बाइक मैंने ले ली अपने छोटे भाई से, तो आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ गया। आज वादियों के बीच में भी रहे, ऑफ रोडिंग कर ली, वेरी गुड वेरी गुड। छोटा भाई लड़कियों वाला कौन है? ये लड़कियों वाला।